कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को, ये मेरी वॉइस के साथ पहली वीडियो है। आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। सबने मुझे कहा था कि तुम मतलब बनाती हो वीडियोस तो अच्छी होती हैं लेकिन समझ नहीं आती, तो तुम वॉइस के साथ वीडियो बनाया करो। तो आज मैं वॉइस के साथ वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं, ऑन कर लेंगे और पानी डाल के बॉइल कर लेंगे। इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये स्पेशलीज हैं, ये आसानी से हर जगह से मिल जाती हैं। इनको ऐसे बॉइल कर लेंगे। ऐसे आप इस तरह आप रख लें, बर्तन छोटा भी हो तो कोई नहीं, हो जाएगा। इसमें दो चम्मच ऑयल के भी डाल दें। और इसको हिलाते रहना है, मतलब चिपके ना इस तरह। ये पकने में ना 9 से 10 मिनट लेते हैं। जब डाले थे, ये देखें, जब डाले थे तो येलो थे और अब व्हाइट हो गए हैं, पके हैं। अब मैं पानी को ड्रेन कर लेती हूँ और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। और ये इस पे ना ऑयल एक चम्मच डाल देंगे, जरा ठीक से मिल जाए। ये देखें, कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया और एक चम्मच इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, बोनलेस चिकन। बिल्कुल इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन को गोल्डन करने के बाद इसमें सब्जियां ऐड करेंगे जो मैंने पहले ही कटिंग करके रख दी हैं। वैसे मैंने तो कटिंग नहीं की, मेरे भाई ने की है, वो मेरी सब कामों में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये देखें कितनी प्यारी सब्जियां काटी हैं। सबसे पहले गाजर ऐड करूंगी क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है। थोड़ा सा इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे तो बारीक ही काटी है, जल्दी कुक हो जाएंगे। अब इसमें शिमला ऐड करेंगे, इसकी भी कटिंग ज़रा चेक कीजिएगा। आज ना मेरे भाई ने ऑफिस से बहाना मार के छुट्टी मारी है और मैं आज बोल के वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं बार बार देख देख के। ऐसे चीज़ें डालते जाना और मिक्स करते जाना, आपको भी बताइए कि कौन सी चीज़ की ज़्यादा टाइम लेती है और कौन सी कम, और ऐसे मिक्स करते जाना। अब इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी, ये भी आप देखें। अब इनको मिक्स करके अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी। ये एक चम्मच नमक ऐड करूँगी, स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं हम लोग यूज़ करते बस।
ये काम नहीं सही रहता है। और एक चम्मच काली मिर्च, सिरका डालूंगी, सोया सॉस, अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी एक बार। देखें कितना प्यारा कलर आया है। और ये हरी मिर्चें मैंने काट के लंबी लंबी लगेगी ऐड कर दी। तेज आंच पे अच्छी तरह फ्राई करें, और चाइनीज डिशें जो होती हैं इनको तेज आंच पे फ्राई किया जाता है। और अब मैं नूडल ऐड करूंगी, और फिर अब इसमें नूडल ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखें अच्छे से कुक हो गए हैं, और ये फिर देखें कितनी प्यारी है ये। आप सेम इसी स्टाइल में ट्राई कीजिएगा। और अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और डिश आउट करती हूँ। देखें कितने कलरफुल हैं। ये देखें कितने कलरफुल और कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब टेस्ट करवाते हैं भाई को।